साहब एक बड़ा फैसला लिया जिसमें कई जो आईओ लेवल के जो अधिकारी हैं उनको सस्पेंशन के जो है आपके ओर से आदेश जारी किए गए, क्या ये मामला है पूरा सर? मैं लंबे समय से अधिकारियों को जो लंबित मामले हैं उनको फाइनल निपटान करने के लिए कह रहा हूं बार बार, और मई में हमें डिपार्टमेंट ने जानकारी दी थी कि 3,229 मामले सारे प्रदेश में ऐसे हैं जिनमें एक साल से ज़्यादा हो गया और मामले का फाइनल डिस्पोजल नहीं हुआ है। मैंने डिपार्टमेंट को लिखा था कि आप इनकी एक्सप्लेनेशन कॉल करो कि फाइनल डिस्पोजल क्यों नहीं हुआ। लोग धक्के खा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और केसेस निपटान नहीं हो रहे हैं। तो अब डिपार्टमेंट ने मुझे जानकारी दी है कि हमने एक्सप्लेनेशन कॉल की है, 372 आदमी ऐसे हैं जिनसे सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं आई है। तो ये बहुत गंभीर मामला है, मैंने इसको गंभीरता से लेते हुए 372 जो आईओज हैं, आईओ अब कोई भी हो सकता है, जो आईओज हैं उनको तुरंत निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं और कहा है कि जो उनके पास केसेस पेंडिंग हैं वो रिस्पेक्टिव डीएसपी को दे दिए जाएं, इस हिदायत के साथ कि एक महीने के अंदर अंदर उनका फाइनल डिस्पोजल होना चाहिए।